मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोहिया आवास योजना का लाभ पात्र नहीं बल्कि अपात्र उठा रहे हैं, मतलब जो गांव की सत्ता के करीब है उनके लिए नियम कायदे कानून सब ताक पर रखकर लाभ पहुंचाया जा रहा है और जो इसके पात्र हैं उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अपात्रों को पात्र बनाने का खेल जोरों पर चल रहा है बाराबंकी में, जहां ट्रक मालिकों को जबरन पात्र दिखाकर लोहिया आवास दे दिए गए, वहीं अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया है तब जिला प्रशासन जांच करवाने की बात कर रहा है। इस मामले पर बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि लोहिया आवास खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच करवाकर जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो योजनाएं बड़ा सोच समझ के बनाई जाती हैं, जनता को इसका लाभ मिले ये सोच के बनाई जाती हैं। कल इंडिया वॉइस ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से फैजाबाद में जो साइकिल श्रमिकों के बीच में बंटनी थी उसी साइकिल बांटने में बड़ा घोटाला, बड़ी धांधली हुई, 500 और 700 रुपए मांगे गए लाभार्थियों से। तो वहीं आज बाराबंकी से बड़ी खबर है जहां लोहिया आवास योजना अपात्रों को आवंटित कर दिया गया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए था, मजबूरों को मिलना चाहिए था, वो अपात्रों को यानी जो इसकी श्रेणी में आते ही नहीं है उनको दे दिया गया और सारा खेल प्रशासनिक अधिकारियों के नजर में खेला गया है, आराम से इसकी बंदरबांट हुई है। तो अधिकारी ही है जो योजनाओं को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वही पलीता लगाते नजर आए। पात्रों को लोहिया आवास का लाभ नहीं मिला, वहीं अगर जो लिस्ट जारी हुई है उस पर गौर करें तो ट्रक मालिकों को पात्र दिखा दिया गया और आवास आवंटित कर दिए गए। सवाल यह कि क्या ऐसे ही जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर होता रहेगा? क्या घोटाले भ्रष्टाचार से अलग कभी एक स्वस्थ योजना गरीबों तक पहुंच पाएगी? ये तमाम सवाल इंडिया वॉइस उठा रहा है, क्योंकि लाल फीताशाही कहें या नौकरशाही, इन पर ही जिम्मेदारी होती है किसी भी योजना को स्वस्थ तरीके से लागू करने की, लेकिन जब दिल और दिमाग में बेमानी घर कर जाए तो कुछ ऐसे ही हालात होते हैं जैसे हालात बाराबंकी में देखने को मिल रहे हैं। तो गरीब परेशान है, मजबूर है, ऐसी कड़कती ठंड में जहां उसे लोहिया आवास चाहिए, सरकार भी चिंताग्रस्त है, लेकिन वहीं अधिकारी वर्ग वहीं पर इसी में पलीता लगाते नजर आए।